तो आज हम आए हुए थे राजकीय उद्यान में। तो ये दोस्तों आपके यूपी के कैपिटल का लखनऊ का राजकीय उद्यान है। और दोस्तों ये इसका एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों साइड पाम के बहुत सारे खूबसूरत पौधे लगाए हुए हैं। और यहाँ पे दोस्तों इसका ये मेन कार्यालय है, तो यहाँ पे दोस्तों कार्यालय है और आगे साइड में इसका हेड ऑफिस है। आप यहाँ पे दोस्तों जो ये बिल्डिंग देख रहे हो राइट साइड में, तो यहाँ पर दोस्तों ये पूरी नर्सरी का एरिया था। ये दोस्तों इसका सेंटर वाला एरिया है, देखिए जहाँ पर देखिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत से फ्लावर्स लगा रखे हैं। एक साइड में देखिए बहुत बड़ी शंकर जी की मूर्ति बना रखी है जिसमें वाटरफॉल भी लगा हुआ है। हालाँकि वाटरफॉल दोस्तों अभी नहीं चल रहा है, देखिए बगल में किसान की स्टैचू बना रखी है। और दोस्तों जो ये इनका गैलियारा है, ये दोस्तों कचनार का गैलियारा बोला जाता है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो गार्डन है, ये दोस्तों स्पेशली कचनार के लिए फेमस है, कचनार और रोजेज के लिए। आप दोस्तों यहाँ पर कचनार की जितनी सारी वेराइटीज देखते हैं वो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और तकरीबन दोस्तों 15 से 16 वेराइटीज यहाँ पर कचनार की अवेलेबल हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि रोजेज के बहुत खूबसूरत खूबसूरत से देखिए यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। देखिए इंडोर के लिए बहुत खूबसूरत सा देखिए इन्होंने बना भी रखा है, लेकिन आज दोस्तों ये सब कुछ बंद है। देखिए ये दोस्तों एक बहुत खूबसूरत सा इन्होंने बड़ा सा लॉन बना रखा है जिसमें बहुत सारे एग्जीबिशन प्रोग्राम होते रहते हैं। देखिए अंदर साइड काम चल रहा है, लेकिन दोस्तों जो यहाँ का एरिया है तो इसको दोस्तों ये विजिट के लिए नहीं रखते हैं, पता नहीं क्यों। जबकि इनको ये सब चीज़ें दोस्तों ओपन के लिए ओपन में रखना चाहिए, कि लोगों के आने जाने के लिए देखने के लिए भी रखना चाहिए, वरना ये तो रिजर्व फॉरेस्ट टाइप सा बन गया। यहाँ पे तो कोई कुछ देख ही नहीं सकता, बाहर से भी आप नहीं देख सकते हो। और दोस्तों इतने दूर से जूम करने पर कोई अच्छा सा व्यू नहीं आता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये बोगनविलिया का है और यहाँ पे देखिए इन्होंने ताला भी डाल रखा है। दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पे जो ताला डाल रखा है, देखिए बहुत पुराना जंग लगा हुआ थोड़ा सा ताला लगा रखा है, कि बहुत पुराना है। ये है दोस्तों इनकी गुलाब की वाटिका, जहाँ पर दोस्तों तकरीबन 200 प्रकार के गुलाब लगे हुए हैं। और आप देख सकते हो दोस्तों इस घर में भी देखिए यहाँ पर बहुत खूबसूरत से देखिए फ्लावर्स लगा रखे हैं। ये दोस्तों जो वीडियो है वो अप्रॉक्स दोस्तों फरवरी के महीने का है। आप देख सकते हो दोस्तों कितने खूबसूरत से देखिए कितने कलर के फ्लावर्स खिले हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों तकरीबन 200 वेराइटी के रोजेज अवेलेबल हैं, मतलब आप एग्जीबिशन के लिए यहाँ पे आके शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये यहाँ के चीफ का वो है ऑफिस है, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर कितनी खूबसूरत तरीके से वर्टिकल गार्डन टाइप सा एक पूरा बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये केल का, जिसे केली बोलते हैं, उसका दोस्तों यहाँ पर है। इसमें दोस्तों बहुत खूबसूरत से जिसे कन्ना लिली बोलते हैं, उसका दोस्तों यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा कलेक्शन है। तकरीबन 15 से 16 वेराइटी यहाँ पर अवेलेबल हैं और इनकी 7 से 8 वेराइटीज़ तो खुद की है। बैक साइड में दोस्तों आप जो गार्डन देख रहे हैं, ये दोस्तों इनका वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है गार्डन रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ये रिजर्व में रखते हैं ये सब चीज़ें। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कैथा लगा हुआ है, बेल लगा हुआ है, मैंगो लगा हुआ है, लीची लगी हुई है, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर लगी हुई हैं। और वेजिटेबल्स में भी देखिए बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी बैक साइड में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने पूरा केल का एक सेक्शन बना रखा है, तकरीबन दोस्तों 25 के अप्रॉक्स मैंने गिने थे ये सेक्शन हैं, जिनमें तकरीबन 2-2 वेराइटीज़ के लगे हुए हैं। आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर कितने खूबसूरत से देखिए प्लांट ग्रो हो रहे हैं, कुछ में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। इनका दोस्तों फ्लावरिंग सीजन रेनी सीजन होता है, जैसे ही बारिश गिरेगी वैसे वैसे इसमें जो है शुरू होता चला जाएगा फ्लावरिंग। ये देखिए यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंग में यहाँ पर प्रशिक्षण का काम देने का स्टार्ट कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। ये दोस्तों जो गार्डन है, यहाँ पर जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उन सभी की यहाँ पर बुवाई की जाती है और उनके बीज तैयार किए जाते हैं जो गवर्नमेंट सेल करती है।
कुछ दोस्तों पनीरी तैयार की जाती है, पनीरी या मीन्स की कुछ सीडलिंग्स तैयार की जाती हैं जो कि यहाँ के जो कि यहाँ की नर्सरी में दोस्तों सेल किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक साइड से बोगनविलिया रखा हुआ था, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये इंडोर सेक्शन है जहाँ पर भी इन्होंने ताला जड़ रखा है। इधर साइड एक साइड से बोगनविलिया रखे हुए हैं दोस्तों, देखिए जिनकी सभी की प्रूनिंग कर दी गई है, हार्ड प्रूनिंग कर दी गई है और ये बोगनविलिया का सबसे बड़ा सेक्शन है इनका। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने पूरा सजाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये भी देखिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत से इनका रोज का सेक्शन है। बैक साइड में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत से देखिए दोस्तों ऊपर येलो कलर के फ्लावर खिले हुए हैं। बैक साइड में वो कचनार वाला सेक्शन था उसी में दोस्तों वो खिले हुए थे। ये देखिए ये सारा कुछ रोजेज है, रोजेज में भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत से फ्लावर्स खिले हुए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कितने खूबसूरत से पिंक कलर के, कोई येलो कलर, कोई वाइट कलर, कोई रेड कलर, सभी कलर के यहाँ पे देखिए दोस्तों फ्लावर्स खिले हुए हैं। और यहाँ पे दोस्तों केयर करने वाले भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लीची ब्लॉक, लेकिन इन्होंने इसको देखिए दोस्तों ब्लॉक कर रखा है। बहुत सारी सीडलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही थी। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैरी गोल्ड्स रखा हुआ है, मेरी गोल्ड्स भी काफ़ी अच्छे देखिए दोस्तों यहाँ पर हैं। जो इनका साइज़ है दोस्तों ये पूरा जैसे कलकत्ती वाला आता है उसी साइज़ का है कि ड्वार्फ वैरायटी है, लेकिन खूबसूरत खूबसूरत से इसमें फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये एक अलग सा सेक्शन है जहाँ पर बहुत खूबसूरत से देखिए देखिए इन्होंने गमलों पर फ्लावर्स लगा रखे हैं। ये एक टेम्पल है, टेम्पल के इन्होंने चारों साइड से बिल्कुल फ्लावरिंग लगा रखा है। काफ़ी सारे अडेनियम्स भी है यहाँ पे, कंपोस्टिंग भी देखिए यहाँ पे कंपोस्ट आया हुआ है। यहाँ पे पॉली हाउस है जहाँ पर दोस्तों वेजिटेबल्स की सीडलिंग्स तैयार की जाती हैं। आप भी अगर लखनऊ से हैं तो आप यहाँ पर आकर के ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा भी हुआ है पॉली हाउस। और बैक साइड में यहाँ पे देखिए बिल्कुल इन्होंने ताला जड़ रखा है बैक साइड में सीडलिंग्स के लिए। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे टोमेटोज, ब्रिंजल और जुगनी, करेला, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर देखिए डिब्बे में लगा रखी हैं लोगों को दिखाने के लिए कि आप ऐसे ऐसे अपने घर में बागवानी कर सकते हो। ये दोस्तों जो कुछ भी इन्होंने डिब्बों में ग्रो कर रखा है पूरा लीव्स में जो पत्ते निकलते हैं उसमें दोस्तों इन्होंने ग्रो कर रखा है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, बोले कि नहीं इसमें सड़न नहीं होती है, आप कभी भी लीव्स में लगाई, क्योंकि लीव्स में एरिएशन अच्छा खासा होता रहता है। आपको क्रश करके नहीं डालना है, नॉर्मल लीव्स डाल दीजिए और वो आपकी बहुत अच्छी चलती रहेगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों सेंसिवेरिया काफ़ी अच्छी वेराइटीज लगे हुए थे, बगल में देखिए कचनार भी लगा हुआ था एक। दोस्तों ये मुझे बहुत खूबसूरत सा फ्लावर लगा व्हाइट कलर का, मुझे नाम तो नहीं पता ये क्या चीज़ है, लेकिन दोस्तों बहुत खूबसूरत मुझको लगा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये अंदर इनका एक नर्सरी वाला एरिया है जहाँ पे दोस्तों प्लांट्स तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों स्वीट पी वाइन के बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत से देखिए यहाँ पे वाइन लगाई हुई है इन्होंने, पूरे सब सारे गमले में लगाया हुआ है लेकिन पूरी जाल में चढ़ गया है तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अंदर इन्होंने अंदर जाने के लिए मना कर रखा है, लेकिन दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, जब अगली बार आएंगे तो कभी फिर अगर ओपन होगा तो दिखाएंगे। इन्होंने देखिए दोस्तों पॉट भी जो बना रखे हैं कि एज इट इज की जैसे लकड़ी की कोई पॉट हो उस टाइप से बना रखा है, हैं ये दोस्तों सीमेंटेड पॉट ही, सीमेंटेड पॉट में ही इन्होंने कुछ ऐसी डिजाइनिंग बना रखी है। और यहाँ भी देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है। और ये दोस्तों सीटिंग एरिया भी है, आप यहाँ पर आकर खूबसूरत सा बैठ सकते हो। मुझको यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सेंसिवेरिया जो थे वो मुझे सेंसिवेरिया टाइप से नहीं लगे, कुछ और टाइप सा लगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से ये माली लेकर के आते हैं और ये दोस्तों पूरा जाता है आपका सेलिंग के लिए नर्सरी में। तो नर्सरी दोस्तों आज क्लोज है, तो ये वहाँ पे अपने जाके पौधे सेटल कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी खूबसूरत खूबसूरत से फ्लावर है। हालांकि दोस्तों ये लास्ट विंटर का जो दोस्तों ये एरिया है, तो आप देख सकते हो दोस्तों ये यहाँ से एंट्रेंस था जहाँ से हमने एंटर किया था। सामने साइड देख सकते हैं दोस्तों ये रेलवे की वर्कशॉप है। अगर आप लखनऊ रेलवे स्टेशन से आते हैं तो उसके दोस्तों अपोजिट साइड वाला जो एरिया है उसमें दोस्तों ये पड़ते राजकीय उद्यान पड़ता है। अगर आप भी लखनऊ आते हैं तो एक बार ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत खूबसूरत से एरिया है ये दोस्तों। यहाँ की देखिए ये नर्सरी वाला एरिया है, ये देखिए ये पूरी यहाँ की नर्सरी, यहाँ पे प्लांट्स ला ला करके रखे जा रहे हैं, पूरी वीकडेज में पूरे सेल हो जाते हैं और बहुत चीपेस्ट रेट में दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारी वेराइटीज़ भी देखने को मिल जाती हैं। तो होप दोस्तों हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।